नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। मिशन 24x7 के खास कार्यक्रम हकीकत गांव गांव की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिखाएंगे खुटार के बेला गांव के विकास की झूठी तरक्की की असली तस्वीरें। इस गांव में विकास सिर्फ उन लोगों का हुआ जिनके सिर पर गांव वालों ने 5 साल पहले जीत का ताज पहनाया था, जबकि ज़रूरतमंद आज भी विकास की राह देख रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इस गाँव की असली हकीकत। मिशन के खास कार्यक्रम हकीकत गांव गांव की के तहत आज हम पहुंचे हैं खुटार ब्लॉक के गांव बेला में। चुनावी माहौल है, नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट देगी। ₹40,000 ₹30,000 प्रधान ने ले लिया है। ये है खुटार ब्लॉक का बेला गांव। ये गांव जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी लगभग 3,000 बताई जाती है, जबकि 1700 मतदाता इस गांव में सरपंच के भाग्य का फैसला करते हैं। इस ग्राम पंचायत में बेला गांव के साथ साथ ढाका गांव भी शामिल है। जितनी दूरी इस गांव के मुख्यालय से है उससे कहीं ज्यादा ये गांव विकास से भी दूर है। घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले लोग जब कुछ खास लोगों के पक्के मकान देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि बारिश के वक्त में खुद को बचाने के लिए इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर इस गांव के पिछले 5 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, जबकि वोट देने वाले मतदाताओं को आवास और शौचालय के नाम से महरूम रखा गया है। यहाँ की नालियां बताती हैं कि विकास के नाम पर गांव वालों के साथ किस तरह का मजा किया गया है। गांव में ऐसी कई गलियां हैं जिनमें बरसात के मौसम में निकलना दूभर हो जाता है। हमने गांव के लोगों से बात की और जाना आखिर सरकारी योजनाओं के लाभ से वो कैसे वंचित रह गए। अब हम आ चुके हैं बेला गांव के अंदर और यहां पर हम खड़े थे ठीक सामने ये अटल चौक है, जो कि इस गांव की पहचान है। इस अटल चौक का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां पर खुद आए थे। तो जब यहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे थे तो एक ग्रामीणों में एक उम्मीद थी कि अब यहां पर, क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई बड़ा नेता गांव में या क्षेत्र में आता है तो एक उम्मीद जागती है ग्रामीणों के अंदर कि यहां पर अब विकास की गंगा बहेगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं काम के कुछ लोग, उनसे बात करेंगे कि कितना यहाँ पर काम हुआ है और कौन से वो मुद्दे इस बार जो चुनाव में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात अगर की जाए कि पिछली बार यहाँ पर प्रवीण मिश्रा संटू जो कि यहाँ पर प्रधान थे, तो इस बार यहाँ पर सीट आरक्षित हो गई है, तो इस बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब नया चेहरा कोई ना कोई सामने आएगा। तो जानते हैं ग्रामीणों से कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है और अब क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बात हो सकती है। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र, ये बताओ कि कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे जिनको लेकर यहाँ वोट दी जाएगी? काफ़ी अच्छा काम नहीं हुआ इस बार प्रधान ने, जो भी काम अच्छा नहीं किया है, नालियाँ वगैरह सारा वैसी पड़ी हुई, कुछ भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। हमारे जो हमारे कास्ट के जितने भी जो भी हमारे गाँव मोहल्ले में थे, हमारे मोहल्ले में इस प्रधानी में एक भी ईंट का कोई भी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या क्या काम है जो इस बार होना चाहिए? हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, जो भी नया कैंडिडेट आएगा अच्छा काम होना चाहिए, इसी के साथ उम्मीद में लगे पड़े हैं, हमारा नया कैंडिडेट आएगा तो अच्छा काम होगा। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोट देंगे? जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको अच्छा ही वोट देंगे, जो अच्छा काम करेगा, उम्मीद है उसके अंदर कुछ अच्छा दिखेगा तभी उसको वोट देंगे ना। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेवाराम। मेवाराम जी, बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? वोट क्या, जो काम करेंगे अच्छा उनको वोट दिया जाएगा। वो कौन से काम होने हैं जो कि पिछली बार नहीं हुए, इस बार उम्मीद है होने की? जो जो नाली टूटी हुई है, जहाँ नाली नहीं बनी है वहाँ नाली होनी चाहिए, और जहाँ खड़ंजे नहीं लगे हैं, नरेगों पे वैसे पड़े हैं खड़ंजे जो लगे नहीं हैं, वहाँ खड़ंजे लगेंगे। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप भी अभी आपसे बात हुई तो क्या नाम है आपका? जी नन्ने लाल जी। नन्ने जी, बताओ कि कौन से वो मुद्दे हैं जो छूट गए पिछली बार, जो होना चाहिए, जिन पर काम इस बार? हमने मतलब हमारे यहाँ एरिया के जो SC लोग हैं उन्होंने सारे वोट मदद करी प्रवीण कुमार मिश्रा की,
लेकिन हमारे यहाँ एक भी पैसा SC वर्ग में कोई भी परसेंटेज कोई भी पैसा खर्च नहीं लगाया ना लगाया। नाली पता लगा था फिर उसमें इतना चौमास बरसात में इतना पानी पैरे, कई बार लोगों ने जो जिसने वोट दिए हैं उसने कहा भी कि भाई ये नाली लगवा दो, तो बोले हम नाली नहीं ये खड़ंजा नहीं बिछवाएंगे, क्योंकि हमारा जो है किसी आदमी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन जीते हैं, हम अपना काम करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमारे मोहल्ला के अंदर SC का अगर किसी से पूछ लो, कोई एक पैसा का अगर विकास किया हो तो हम प्रवीण कुमार को अच्छा मानेंगे, लेकिन अगली बार जो भी आएगा जो अच्छा काम करेगा गाँव का, जैसे देख लो तालाब देख लो, ये अटल चौक है, इसके 17 लाख रुपये लगे हैं, ठीक, इसमें एक चवन्नी अगर कोई बता दे कि ये 17 लाख रुपये लगे हैं तो जो बताएंगे सो हार जाएंगे इस चीज़ में। आप सामने देख लीजिए, ये तालाब की देख लीजिए दशा क्या है, ये नाली की दशा देख लीजिए कि इसमें पानी निकास भी तक नहीं है, 5 साल पूरे बीत गए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है जहाँ से पानी निकले, आदमी देख लो कितना कीड़ा भरा हुआ, कितना कुछ है, कभी भी कोई चीज़ नहीं पड़ी इसमें, चूना पड़ना चाहिए, हर चीज़ सुविधाएँ प्रधान के पास आता है, लेकिन 1 चवन्नी की पैसे की कोई भी चीज़ लगाई गई नहीं यहाँ पर, ठीक। जब यहाँ पर डिप्टी CM आए थे यहाँ पर अटल चौक का उद्घाटन करने के लिए, कितनी बड़ी उम्मीद जागी थी? उम्मीद ये जागी थी कि हाँ हमारे गांव का कुछ विकास होगा, अच्छी अच्छी मतलब हमारे यहाँ जैसे स्कूल है कॉलेज है जो भी सुविधाएँ होगी, भाई एक मानवर जो आया है CM डिप्टी CM है तो उसका क्या है, वो तो कुछ नई चीज़ देके जाएगा गाँव के अंदर, अब किसी आदमी ने अगर बुलाया भी है तो वो इसी के लिए लाया है कि कुछ हमारे लिए करके जाएंगे यहाँ से, लेकिन पता लगा आए देख गए 17 लाख या 24 लाख जो भी लगे हों उसमें खर्च दिखा दिया गया, कागज़ भी मेरे पास रखे सब ही चीज़ है, लेकिन नहीं कुछ नहीं है, सब दिखावा है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ, सब खोखला है। खैर ये तो पिछले जो भी रहा हो, इस बार चुनाव सिर पर है, नामांकन हो चुका है और नए क्योंकि सीट जो है आरक्षित हो गई, पिछली बार जनरल थी इस बार आरक्षित हो गई, ये तो जाहिर सी बात है कि नए चेहरे अब सामने आएंगे, मुद्दे कौन से होंगे जिनको लेकर वोट दी जाएगी? मुद्दे क्या, हमारे यहाँ जो भी जैसे नाली है खड़ंजा दिया क्षेत्र में होता क्या है, जिसको आदमी को नाली है खड़ंजा है पानी का है नल की है सारी सुविधाएं भाई यही मिलना है और क्या है, इसके अलावा कोई काम है? बहुत हमारे यहाँ जैसे सोसाइटी है खाद की, हम पता लगो हरिहरपुर जाते हैं, ठीक, हमारे यहाँ अस्पताल भी सरकारी था, आज भी उसमें ना दवाई की व्यवस्था है ना कुछ भी व्यवस्था है, पता लगो सब कुछ पैसा भी मिलता है सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी में पता लगो खाद भी आती थी सब कुछ आता था, आज भी बिल्डिंग बनी हुई है कुछ भी नहीं उसमें है, क्या है गांव का जो भी पैसा आता है बस खा पी लो ऐश कर लो, बाकी विकास के नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और भी लोग हमसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट करेगी जनता इस गाँव की? गाँव के मुद्दे तो विकास के होते हैं, जैसे नाली है खड़ंजा है या कोई गरीब आदमी है उसको मतलब आवास वगैरह मिल जाए शौचालय वगैरह, यही सारे मुद्दे रहते हैं मतलब गाँव के। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आपके ग्रामीण, क्योंकि होता यह अक्सर ये देखा जाए कि लोक लुभावन वादे जो हैं प्रत्याशी करते हैं लेकिन बाद में स्थिति जो आपके सामने है उसको ये स्थितियां होती, तो क्या कहेंगे? पिछली बार जो मैंने प्रधान चुना था हम लोगों ने उसने तो कोई विकास किया ही नहीं है, सारे घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव में कलम सम 50 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसकी मैंने शिकायतें डिप्टी CM मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी हर जगह की, सारे सबूत मैंने पेश किए जो हमसे मांगे गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जाँच वगैरह हुई सब कुछ हुई लेकिन उसके सारे कागज़ जो हैं दबा दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद, लेकिन जिला अधिकारी जो हैं वो सरकार के दबाव में हैं, मौजूदा जो प्रधान है वो BJP का मतलब नेता है, तो इस चक्कर में BJP नेता होने के कारण कोई भी कार्रवाई प्रधान पर नहीं हो रही है, इस चक्कर में कुछ नहीं होगा। और लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? लालजी जी बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट होगा इस बार? वोट का सब यह है कि जब काम होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं ताकि इनके जिनके पास मड़ैया ना हैं या 20 साल पुराने जो भी कार रहा है हमारे प्रधान जी ने जो नया हालत में आए, इनने सब जो है इधर जीते हरजन बस्ती में रहा यहाँ से मतलब विकास के नाम से कुछ भी देखा तक नहीं 5 साल, यह ही यह होना चाहिए ताकि नाली है या खड़ंजा है या कोई गरीब की सहायता है तो यही सब होना चाहिए और क्या। बस नाली की वजह से कितनी समस्या होती है यहाँ पर? नाली का पानी सब घर में बढ़ जाता है, आगे कोई निकास नहीं, ये तालाब है गांव के आधे गांव का पानी जाता है, कहीं निकास नहीं इसका, यहाँ मकानों में भरता है पानी बरसात में, ये प्रॉब्लम है, सबको परेशानी बरसात में होती है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नालियाँ तो बनी है, नाली यहाँ तक बनी है, पानी तो कहीं जाएगा ही बरसात का, और वैसे भी है इस टाइम हर जगह पानी चल रहा भाई, हर घर में मोटर है पानी तो बराबर हिसाब होता रहता, ये भी समस्या है। चुनावी माहौल है इस समय, प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आते होंगे तमाम लोग हैं, ठीक है, हाँ। क्या मांग करते हैं उनसे? मांग क्या करेंगे, मांग जो जो उनके हैं उन्हीं की मांग पूरी होती है और अदर की किसी की नहीं होती मांग पूरी,
तो चुनाव है, इस बार जवाब देंगे जो ऐसे लोग लुभावन वादे करते हैं प्रत्याशी जी? वो नहीं, वो अपना देखेंगे, जिसका कुछ नहीं मिला है वो तो अपने एंटी ग्रुप में जाएगा ही। कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी करेगी उसकी भाई वाहवाही होगी। तो ये थे हमारे साथ बेला गांव के ग्रामीण, जिनके तमाम उनकी मांगे हैं, जो कि उनका कहना है कि बहुत से काम नहीं हुए हैं जिनको लेकर इस बार बात होनी चाहिए। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। वोट है, इस समय वोट मांगने आते होंगे तमाम लोग। कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर वोट देंगे आप? जो सब काम करी उसे हम वोट देंगे। नाली अपने आप साफ कर रहे, जो फूस फक्कर मेरा सब खसे पर ना कोई आवाज़ दे रहे ना कोई चीज़। जवान लड़की मेरी लेटरिन के लिए बाहर जो कहूँ बीच नहीं मिल रहे, लेटरिन के आधी किस्ते दे वो भी हम तीन चार बार गए, मुझे पैसा नहीं दे। राशन कार्ड है वो भी मेरे कटा दिए। राशन कार्ड, राशन मिलता नहीं है? नहीं मिलता है, लाल किताब है मेरे कटवा दिए। कौन कटवाया? प्रधान जी ने कटवाया सिंटू। तो ये हैं बेला गांव के ग्रामीण, जिनका कहना है कि तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है, इस बार उन्हें एक उम्मीद है। वहीं मिशन भी लगातार अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि चुनावी माहौल में जो प्रत्याशी आते हैं लोग लुभावन वादे करते हैं, उनसे दूर रहें, अपने विवेक के साथ विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है जो कि सत्ता परिवर्तन लाती है। वहीं आपको बता दें कि बेला की जो सीट है इस बार आरक्षित हो गई है, तो नए चेहरे इस बार मैदान में हैं, तो उम्मीद है ग्रामीणों में भी यहां पर कि इस बार बदलाव जरूर आएगा। सायाहमपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह। आवास आए थे जो अधवन में पड़ा है आवास। क्यों आए, कितने आए, क्या हुआ? 40,000 रुपया 30,000 प्रधान ने ले लिया है। ठीक, अब कई हम कॉलोनी निकल आए उसके लिए। आपने मना नहीं किया देने से? हमने बहुत मना किया, उन्होंने माने ही नहीं। तो जो पूरा कब होगा आपके? अब हम जब पैसा आई तब है तो पूरा हुई है।